हमारा नाम है मीर दास, मीर दास उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट का गाइड, और ये कोणार्क में आप सभी का सर स्वागत है। सर, कोणार्क ये जगह का नाम है, और ये जो नाम कोणार्क, दोनों शब्द यानी कोना और आर्क, ये दोनों को मिला के बनाया गया कोणार्क। कोण मतलब ज्योमेट्रिकल एंगल, कॉर्नर कोण, और अर्क जो है सूर्य देव को संस्कृत में अर्क कहते हैं, तो इसीलिए कोनो प्लस अर्क इस कार्ड कोणार्क। और ये जो मंदिर, ये रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर। सर, ये जो मंदिर बना हुआ है दो प्रकार का पत्थर में, खंडोलाइट पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर। ये जो खंडोलाइट है, इसका एक डिमेरिटी है कि इसमें 32% आयरन है, नेचुरल मिक्स। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर, जो समुद्री हवा लग के ये मंदिर में जितनी मूर्तियाँ नकाशी ये अपने आप झड़ रही है, नष्ट भी हो रही है। समुद्री हवा से बचाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हर साल मंदिर का केमिकल ट्रीटमेंट करता है, और वो जो ग्रेनाइट है वो स्ट्रांग है, तो समुद्री हवा का असर इसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो देखिए भाई, ये जो सूर्य मंदिर, ये रहा कलिंगन स्टाइल का टेम्पल। मतलब शिल्प शास्त्र के मुताबिक भारत में 3 प्रकार का मंदिर है, नागरा स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल एंड द्रविड़ियन स्टाइल। ये रहा कलिंग स्टाइल, जो नागरा स्टाइल का सवकाश का मंदिर। तो यह मंदिर का खासियत क्या है, कलिंगन स्टाइल का पहचान क्या है? ना देखिए सर, पहचान तो यह है कि ओडिशा में जितने बड़े बड़े मंदिर है सब कलिंगन स्टाइल का टेम्पल। दूसरा बात यह है, कलिंगन स्टाइल में हर मंदिर में चारों दिशा में 4 द्वार होता है, और मेन द्वार जो है ये होता है पूर्व की ओर, जो कहलाता है सिंह द्वार। एंट्री कीजिएगा, 2 बड़े बड़े सिंह देखिएगा मंदिर का दरवाजा के दोनों बाजू में। पश्चिम दिशा में शेर, उत्तर में हाथी और दक्षिण में घोड़ा। दरवाजे के सामने ये मूर्ति रहती है। कलिंगन स्टाइल में कंपाउंड के अंदर बहुत सारी छोटे बड़े मंदिर हो सकता है, लेकिन 4 मंदिर आप देखिएगा लाइन में ग्रेजुअली छोटा से बड़ा करके। तो पहला मंदिर देखिएगा भोग मंडप, उसके बाद नाट्य मंडप, उसके बाद प्रार्थना मंदिर, लास्ट को सबसे बड़ा वाला मेन मंदिर जिसके अंदर पूजा होती है। और कलिंग स्टाइल में हर मंदिर का दरवाजे का मेन एंट्रेंस जो है ऊपर होती है नवग्रह की मूर्ति। और कलिंग स्टाइल में सबसे खास बात, अंदर का दीवार बिल्कुल प्लेन होता है, जो कलाकृति नकाशी डेकोरेशन की जाती है मंदिर के बाहर में, अंदर में सिंहासन के ऊपर मूर्ति रहती है और दीवार बिल्कुल प्लेन। तो इसी सामने ये रहा कलिंग स्टाइल का टेम्पल। सूर्य मंदिर जो है ये बना हुआ था 1250 AD में, सन 1250 में गंगा डायनेस्टी का राजा नरसिंह देव चंद्रभागा नदी के किनारे में सूर्य पूजा के लिए ये मंदिर को बनाया। उस जमाने में ओडिशा का नाम था कलिंगा। कलिंगा का 12 साल का रेवेन्यू 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इन्होंने खर्च किया था। तो 1200 आदमियों को लेके 12 साल में टोटल 1 एकड़ कंपाउंड के अंदर हमने जैसे कहा 4 मंदिर इन्होंने बनाया था। तो देखिए, कोणार्क का जो मेन टेम्पल है, जो मुख्य मंदिर गर्भगृह, ये ऑलरेडी टूट चुका है। टूटा क्यों ना, जब 1250 में मंदिर बना तो उस जमाने में सीमेंट था ही नहीं, तो उन कारीगरों लोगों ने सीमेंट के जगह यूज किया था लोहे का क्लैंप, जो दोनों तरफ से पत्थर को इसी तरह पकड़ के रखा हुआ है। अंदर जाके आप देखिएगा, जहाँ जहाँ पत्थर निकल गया अंदर का वो जॉइंट दिख रहा है। और चारों मंदिर बन जाने के बाद इन्होंने मेन टेम्पल के ऊपर लगाया था कि चुंबक, जो ऊपर से चारों को बैलेंस किया करता था। पोर्तुगीज अंग्रेजों से पहले आए थे व्यापार करने के लिए। बंगाल की खाड़ी जो है, जब आप लोगों ने टोकन देके जहाँ एंट्री किया, मतलब वही पे था बंगाल की खाड़ी। और उन लोगों ने समंदर में जब जाना ना करते थे, जहाँ जहाज में दिशा दिखाने के लिए कंपास का सुई को पर्टिकुलर जगह में मिसगाइड किया करता था मैग्नेट ने, इसीलिए कहते हैं कि लोगों ने डायनामाइट लगा के चुंबक तोड़ देने के बाद मंदिर अपने आप ननभरान चुके गिरना शुरू हुआ। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का जो मुख्य मंदिर है गिर गया। तो वो गिरने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। सर, मुख्य मंदिर जब गिर गया, अभी जो बड़ा सा खड़ा हुआ है प्रेयर हॉल, ये बंद है 1903 से। क्यों ना, मुख्य मंदिर गिरने के बाद ये मंदिर भी गिरना शुरू हुआ देखने के अभाव से। क्यों ना, ये रहा प्रार्थना मंदिर, अंदर हॉल टाइप का खुला था बैठ कर प्रार्थना करने के लिए। ये जब गिरना शुरू हुआ तो 1903 में जे ए वडीलन जो हुआ करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, मंदिर के चारों दरवाजे को बंद करके ऊपर से रेती पत्थर मंदिर के अंदर पैक कर दिया है, मतलब अंदर बिल्कुल सॉलिड। अभी जो देखिएगा आप लोगों ने, मंदिर का चारों बाजू में घूम के ही देखिएगा। और ये जो मंदिर, एक रथ है सूर्य भगवान का, जहाँ 24 पहिया 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। ये सब क्यों है, इसके पीछे मतलब क्या है, नज़दीक जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे और थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो प्लीज़ आइए, पहले यहीं से शुरू करेंगे।